देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको छिपाकर करना ही सबसे फायदेमंद होता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है कि ध्यान को छिपाकर क्यों करना चाहिए? देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि अत्यंत गुप्त तरीके से करना बहुत आवश्यक होता है। अब अत्यंत गुप्त तरीके से इसको क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है, इसका परिणाम क्या होता है और क्या ये फायदा देती है और किस प्रकार से ये करना चाहिए। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी आंतरिक शांति के लिए और आपकी चेतना के लिए बहुत आवश्यक है। अर्थात आपको स्वयं को जानना। कहा जाता है कि स्वयं को जानने की सबसे बढ़िया प्रक्रिया होती है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बिल्कुल शांत अवस्था में की जाती है, यानी एक एकांत स्थान में बैठा जाता है और स्वयं को जाना जाता है कि आप है कौन, वास्तविक स्वरूप आपका क्या है इस संसार में। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है। अब जानते कि इस ध्यान को छिपाकर करना क्यों जरूरी है और इसका लाभ क्या है। सर्वप्रथम देखिए, लाभ मैं आपको सर्वप्रथम बताऊंगा क्योंकि इसके बहुत ही करोड़ों गुना लाभ है। अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ ऐसे हैं जिसको करने से प्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, ध्यान को छिपाकर करना बहुत आवश्यक है। इसको कभी भी आप प्रकट ना करें कि आप किस विधि से कर रहे हैं, कौन सी मुद्रा लगा रहे हैं, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये सब चीजें गुप्त रखी जाती, इस विषय के अंदर सब चीजें गुप्त रखी जाती है। और एक साधक इस प्रकार से होता है कि वे अगर आपके सामने भी बैठा रहे तो उसको उसका बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये कोई प्रक्रिया कर भी रहा है या नहीं। अर्थात इस चीज को आप जाने कि मेडिटेशन करते हुए बिल्कुल शांत होना और चिप कर ध्यान करना, अर्थात अपने एक ही स्थान पर बैठ कर ध्यान करना आवश्यक है। देखिए, फायदे ये हैं कि जो चीज आप प्रकट नहीं करते हैं उसका फायदा केवल और केवल प्रभु द्वारा ही मिलता है, यानी वो ही देने में सक्षम है। ना तो आपने किसी से मांगा और ना तो आपको किसी भी भौतिक रूप से किसी से नहीं मिला। अर्थात अब वो जानकार कौन है उस चीज का? केवल और केवल जानकार वही है जो आप पर दृष्टि रखे हुए हैं। दृष्टि किसकी है आप पर? दृष्टि उस परम पिता परमेश्वर की है आप पर, जो आप दिन ब दिन प्रगति करे जा रहे, उन्नति करे जा रहे आध्यात्म में। इस चीज का बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। अब दूसरी चीज को बहुत अच्छे तरह से जाने। ध्यान को छिपा कर तो करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है कि किसी को पता ना चले, किसी को भी पता ना चले, चाहे वे नाम जप हो, भगवान नाम सुमरण हो, भजन हो, कीर्तन हो, उपासना करनी हो, वंदना करनी हो। ये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि सामने अगर 10 जने बैठे हुए हैं, 10 लोग भी बैठे हो, आप उनसे बात करते जा रहे हैं, हंसी खुशी की बातें कर रहे हैं, मिलनसार की, फिर भी आपको ये ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि आपके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक प्रभु का नाम चल रहा है, मेडिटेशन की अवस्था चल रही है, वो जागृत रहना बहुत आवश्यक है। उसको जागृत रखना बहुत ही आवश्यक है। इस चीज पर बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। जब साधक मेडिटेशन करता है और निरंतरता से अपनी अवस्था को महसूस करता रहता है कि मैं किस अवस्था में बैठा हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है और आगे जाकर मुझे क्या मिलेगा। ध्यान को छुपाकर इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अध्यात्म में प्रकृति जब होती है तो केवल और केवल उसे आध्यात्मिक रूप से ही देखना संभव होता है। बाकी ये भौतिक रूप में देखना बहुत ही असंभव है, बिल्कुल असंभव है। आप देखते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, और कई भक्तों के ऐसे सवाल होते हैं, कई साधकों के ऐसे सवाल होते हैं कि मैं कुछ तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपने व्यावसायिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने आर्थिक स्थितियों में क्यों नहीं उन्नति कर पा रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। लेकिन अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आपकी दिन और दशा कब चेंज हो, अर्थात आप अभी फर्श पे जैसे कब प्रभु
की कृपा हो, आशीर्वाद हो, आप अर्श पे पहुंच जाए, इतनी उन्नति आपको पल भर में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए विश्वास और समय का भरपूर सहयोग होना भी जरूरी है। उसको आप समय दें, प्रभु के ध्यान को, कीर्तन को, नाम को, तो आपको सहज ही प्रक्रिया बहुत ही सरल रूप में मिल जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखें, मेडिटेशन आपको निरंतरता से करना पड़ेगा, छुपाकर, इसलिए कि आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो चीज़ प्रकाशित हो गई, समझिए उसका लाभ कम हो गया। बिल्कुल जैसे कि एक प्रकाशित होना मतलब समझे कि आपने कोई गुरु मंत्र धारण किया हुआ है, या फिर आप कोई चीज़ निरंतरता से अमुक चीज़ को मन में उसका उच्चारण कर रहे हैं। गुरु मंत्र को कहा जाता है कि बताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, बिल्कुल भी मुंह बंद रखा जाता है पूर्ण रूप से, अर्थात इसको बिल्कुल भी प्रकाशित करना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखें, ये निषेध है, इसको प्रकाशित करना बिल्कुल निषेध बताया है। अगर गुरु भी जब गुरु मंत्र धारण शिष्य को बताता है तो उसके कानों में वह बात कहता है जो उसको हमेशा के लिए धारण करनी पड़ती है। ध्यान बिल्कुल ऐसे स्थान पर करना जरूरी है जिससे कि आसपास के लोगों के द्वारा आप डिस्टर्ब ना हो पाए, ऐसे स्थान का चयन जरूर करना चाहिए। स्थान इस प्रकार का ही चुने जहाँ पर आप बारंबार परेशान ना हो, किसी भी प्रकार की आप उस स्थिति में ना आए कि आपका ध्यान बारंबार रूप से टूट रहा है, तो स्थान का बदल लेना ही उचित माना गया है। इस चीज का भी आवश्यक रूप से ध्यान दें। दूसरी बार निरंतरता से अपने आसन की शुद्धि बना के रखें। आसन का मतलब समझे जिस तरीके का आप आसन बिछा कर करते हैं, उस आसन की शुद्धि बना के रखें, निरंतरता से उसको स्वच्छ रखें, उसी स्थान को भी और जगह को भी। ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके इस सूक्ष्म इस भौतिक शरीर से उजागर होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है उस पर्यावरण क्षेत्र को, अर्थात उस स्थान को सकारात्मक बनाने में। इस चीज का बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखे जाए। ये कि इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो मंदिरों में चले जाए, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर दिन घंटे, घड़ियाल, नगाड़े और ध्यान वंदनाएं की जाती, प्रभु से मांगा जाता है, प्रभु को धन्यवाद दिया जाता है, वो ध्यान, वो बिल्कुल जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मक होती है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप उस स्थान पर जाते हैं तो आपको इतना सुकून मिलता है, आप भीतर ही सोचते हैं कि इस स्थान पर आने के पश्चात मेरे मन में बड़ा ही सुकून आया, इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है एक साधक की। इस चीज को आवश्यक रूप से आप ध्यान दें। जो आप स्थान का चयन करते हैं, उस जगह ध्यान करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। उस स्थान को आप निरंतरता से संकल्प लेकर अपने ध्यान की रुचि बनाए रखें। देखिए, मेडिटेशन स्थान पर ही किया जाता है, प्रत्येक जगह ध्यान लगाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी कई सारी ऐसी स्थितियां होती है जहां पर आपका ध्यान लगाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन घर के एक स्थान पर, पूजा स्थल पर, वो एकांत हो वो स्थल, जहाँ पर ध्यान लगाना बहुत सरल और सहज हो जाता है। इसका लाभ जो कि ध्यान गुप्त रखा जाता है, जो भी कोई भक्त है जो बिल्कुल गुप्त तरीके से मेडिटेशन करता है, नाम सुमरण करता है बिल्कुल गुप्त तरीके से, पता ही नहीं चलने देता है कि ये कर क्या रहा है कृपा, तो उसका करोड़ों गुना लाभ बताया गया है। अमुख बिल्कुल करोड़ों गुना लाभ, ये बिल्कुल शास्त्रों में भी वर्णित है, अगर आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। ये कहा गया है कि देखिए, मानसिक जाप जो होता है बहुत ही उत्तम बताया गया है, इतना उत्तम है कि उसमें आपको लाखों करोड़ों गुना का मतलब समझे कि साक्षात प्रभु का आशीर्वाद प्रकट हो जाता, यानी कृपा हो जाती है उस पर, इतनी दया और इतनी अच्छी जो ये इतना अच्छा जो ये मार्ग है उस पर प्रभु की साक्षात दया और कृपा होती है। इस चीज का अवश्य रूप से ध्यान रखें। निरंतरता हर चीज पर होना आवश्यक है। जब आप
किसी चीज को 20-30 दिन भी कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है, बहुत ही प्रबल और ठोस हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि भीतर ही भीतर एक ऐसी शक्तियों का विकास होता है जो कि आपकी मेडिटेशन को और उच्चतम स्थान पर ले जाने में बहुत ही आवश्यक है। और उस मार्ग पर चलने के पश्चात कुछ ऊर्जाएं इस प्रकार से विकसित होती है तो जो कि आप ध्यान करते ही आपका बिल्कुल मन है बिल्कुल शांत हो जाता है और किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी विचार बिल्कुल भी नहीं आता। इस चीज़ पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। जितना हो सके अपने मेडिटेशन को, अपने नाम सुमरण को, अपने भजन को, कीर्तन को, वंदनाओं को गुप्त रखकर प्रभु से हाथ जोड़कर निवेदन करके मांगते रहें, उनसे सूक्ष्म बातें करते रहें जो कि बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी चीज़ों को, इन चीज़ों को करना सीखें, सर्वप्रथम सीखें। जैसे आप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस चीज़ में बहुत ही उन्नति है। जैसे ही मस्तिष्क को सूचना मिली कि ये लाभ का मार्ग है अर्थात इस पर बेनिफिट है तो आपका विश्वास दृढ़ होने लगेगा। इस प्रक्रिया को निरंतरता से करें और जितना गुप्त हो उस ध्यान को उतना गुप्त रखें, प्रकाशित करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं और जितना हो सके इस ध्यान की अवस्थाओं को, मेडिटेशन को गुप्त रूप से करते रहें और आपके अध्यात्म जीवन में इतनी प्रगति होगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आत्मा का सफ़र। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।